स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मैनुअल स्टेबलाइजर होता है वो कितने प्रकार का होता है। मतलब वो तो होता है, मतलब मैनुअल स्टेबलाइजर दो प्रकार का होता है। मतलब जो भी आप घर में होता है चाहे जो भी चीज़ हो उसमें दो प्रकार के मैनुअल स्टेबलाइजर होता है। और यहाँ पर जो स्टेबलाइजर होता है मैनुअल स्टेबलाइजर, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्टेबलाइजर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग का ये जो चैप्टर चल रहा है अभी मैनुअल स्टेबलाइजर का ही चल रहा है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो, उसके बाद से इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में। मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में, ठीक है। तो ये मैनुअल स्टेबलाइजर के मैंने आपको पहले एक डायग्राम बनाया हुआ था, तो आप उस डायग्राम को जाकर देख लेना कि वो डायग्राम कैसा है। और उसके बाद से फिर आपको उसके बाद से इसको आके देखना है कि वो जो काम करने का जो डायग्राम होता है वो अलग अलग होता है। तो आप हो सके तो दोनों को देखोगे तो आगे चल के आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा और आप इसको बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीका से। तो चलो अभी कैसे इसको, तो पहले वाला एक होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी, पहले एक होता है हम लोग का यहाँ पे, एक होता है विथ टू ए स्विच, विथ टू ए स्विच। तो यहाँ पे जो एक हम लोग को बनेगा, ये जो मैनुअल स्टेबलाइजर बनेगा, एक यहाँ पर टू ए स्विच के साथ में बनेगा। और एक है जो टू ए स्विच का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, देखो ये हो गया टू ए स्विच। तो ये होगा इसमें एक दो ये तीन, तो इसमें मतलब तीन पैर होता है ये टू ए स्विच में। सॉरी आई डोंट नो वाई फोकस नहीं कर पा। तो ये जो है ये तीन तीन यहाँ पर पैर होता है। तो इसके साथ भी हम लोग चाहे तो मैनुअल स्टेबलाइजर को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है DPDT स्विच का। तो DPDT आप ऑटोकॉट में भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे कि मतलब इसको कैसे करना है। तो ये देखो यहाँ पर एक लिखेंगे विथ DPDT स्विच, ठीक है। तो DPDT स्विच थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा काम दोनों का सेम ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और ये थोड़ा लोगों को यूज करना चाहे मार्केट में सब ज़्यादा चलता है। तो अगर अधिकतर जो भी होता है DPDT का ही यूज होता है। तो अभी बात कर लेते हैं DPDT कैसे काम करता है। तो DPDT में यहाँ पर चार वायर होते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये मतलब तीन, ये हो गया चार। तो ये DPDT का ये देख सकते हो, यहाँ पर ये हो गया। और इसको मतलब हम लोग चाहें तो अप डाउन कर सकते हैं, ये स्विच की तरह होता है लेकिन इसको अप डाउन करना होता है। तो इसका कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, इसको एक्स बनाते हैं पहले, इसको वायर इसमें, इसको वायर इसमें, और इन दोनों का वायर ऐसे ही मतलब इसमें इसमें होता है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो ये अब किस तरह से रिप्लेस करेंगे, किस तरह से वर्क कराएंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी तो हम लोग चल यहाँ पर स्टेबलाइजर पर आ जाते हैं, एक मिनट फोकस, हाँ चलो सही है। तो ये तो हम लोग का हो गया। अभी तो यहाँ पर हम लोग एक, चलो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ छोटे छोटे में, यहाँ पर मैं दो डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपने, पहले तो बनाएंगे ट्रांसफार्मर। तो जिनको नहीं पता है, तो जिनको पता है वो पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो ट्रांसफार्मर जो भी होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे जो आठ कॉइल हम लोग का यूज होता है, तो ये हमारा ये हो गया एट हो गया, ये सेवन हो गया, फिर यहाँ से कॉइल निकलेगा और ये कॉइल यहाँ से जाते 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 फिर यहाँ पर जाएगा, ये जाएगा सिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद से कॉइल जाते जाते यहाँ पर इस तरह, फिर कॉइल ये जाते 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 फिर इस तरह, फिर सॉरी फिर ये कॉइल जाते 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 फिर इस तरह, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, फिर ये जाएगा और यहाँ पे फिर ये जो कॉइल रहेगा उसको मतलब ट्रांसफार्मर के रूप में होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर एक और लास्ट में निकलेगा, यहाँ पे ये निकलेगा लास्ट में, और यहाँ पे एक एक तार निकलेगा, ये न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पे एक जो बना होता है, इसे यहाँ पे लोहे का बना होता है, जो कि आप ट्रांसफार्मर में देखे होंगे ई और आई के रूप में मतलब होता है, ई आई के रूप में होता है, जो कि यहाँ के जो भंवर धारा होता है इसको काटने के लिए ये काम करता है। नहीं तो ये मतलब अगर जी से को नहीं लगाया जाएगा तो ये पूरा जो ये जो ट्रांसफार्मर है फूक जाएगा। तो ये तो हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर एक होता है हम लोग का रोटरी स्विच। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने देख लिया है कि अभी मैं ये बना रहा हूँ आपको विथ, अभी मैं फर्स्ट ये बना रहा हूँ विथ आपको टू ए स्विच के साथ, तो इसमें टू ए स्विच का हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें होता है एक पोल होता है, तो पोल आपको पता ही होगा जिस मतलब वो जो हम लोग ऐसे करते हैं रोटरी स्विच होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हम लोग को 8 तक। तो यहाँ पर 8 7 6 5 4
3, 2, 1, तो ये रोटरी स्विच हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का आता है यहाँ पे 2A स्विच, यहाँ पे यूज होगा 2A स्विच, तो यहाँ पे 2A स्विच जो है उसको यूज कर लेंगे। ये हो गया बीच वाला, ये हो गया ऊपर वाला, ये हो गया नीचे वाला। तो ये मतलब ये 2A स्विच मतलब कि दो भी किसी भी दो कनेक्शन को ये मतलब मतलब स्विच करा सकता है। मानो कि ये दो LED है, किसी को एक बार जलाना है किसी को एक बार नहीं, तो इस चीज़ के लिए ये यूज होता है। साथ में यहाँ पर होता है हम लोग का ये स्विच, तो सारी चीज़ें सेम ही रहेगा, बस यही यहाँ पे यही चेंज हो जाएगा। ये स्विच हो गया और ये हम लोग का हो गया यहाँ पे समझो ये फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ होता है हम लोग का, यहाँ पर 3 पिन सॉकेट, जिसमें हम लोग का आउटपुट निकालेंगे जो भी चीज़ों का होगा, ये आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आउटपुट। अब यहाँ पर रह जाता है हम लोग का वोल्ट मीटर, कि जो भी यहाँ पर वोल्ट जो आउट होगा उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग को, ये हम लोग का हो जाता है वोल्ट मीटर। तो इस तरह से आपका स्टेबलाइजर में वोल्ट मीटर भी लगा रहता है। तो ये वोल्ट मीटर हो गया, इसको VM बोल देते हैं, ऐसे आपको हो गया। और ऊपर जो है इंडिकेटर होता है, एक LED होता है जिसमें एक लगा होता है रेजिस्टेंस, जो कि मतलब कि इसको फ्यूज होने से बचाता है। तो ये तो हो गया इस तरह से पूरा ये जो प्रोडक्ट है इस तरह से होता है, जो भी मतलब होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरह से कनेक्शन होता है इसके साथ में और इसके साथ में कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम लोग का ये न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल को लेंगे, ये देख सकते हो यहाँ पर एन को यहाँ से लेंगे, न्यूट्रल को लेंगे, ठीक है। इस न्यूट्रल को इसको लेंगे और इसको लेने के बाद से डायरेक्ट इसको पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद से इसको ले जाके एकदम से इसमें हम लोग मिला देंगे, इसमें मिला देंगे, ये 3 पिन सॉकेट में मिला देंगे। और 3 पिन सॉकेट के मिलाने के बाद से जो हम लोग वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट बताएगा, उसमें मिला देंगे। और उसके बाद से एक जो ये हम लोग का लाइट का LED का तार बचा है उसमें हम लोग मिला देंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको मिला देंगे, यह इसी को यहाँ पे 1 पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही अप करेंगे स्विच को, तो ये क्लॉक वाइज यहाँ पे हमको लोग निकलेगा, वर्क करेगा। लेकिन एक और यहाँ पे जो 8 वाला है, तो इस 8 वाले को यहाँ से लेके हम लोग इसको जो नीचे वाला जो स्विच है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। सो होप यू गाइस आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ रहा होगा कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ से अब जब ये देख सकते हो, तो यहाँ पे ये है, ये क्लॉक वाइज काम करेगा, और नीचे स्विच कर देंगे तो एंटी क्लॉक वाइज काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो पोल है, पोल अलग अलग चीज़ों से टकराएगा, तब मतलब वोल्टेज जिसमें से टकराएगा उससे जनरेट होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हम लोग पोल का जो भी वायर निकलेगा, इस वायर को यहाँ से लेंगे, और यहाँ से लेने के बाद ये जो भी है 3 पिन सॉकेट यहाँ पर निकाल देंगे, और इसको यहाँ से जाने के बाद यहाँ वोल्ट मीटर डाल देंगे, और LED जो भी यहाँ पर बचा हुआ है, इस LED को जो भी ये जो 20 जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो ये जल जाएगा। तो ये जो सॉकेट है इसको हम लोग बोलते हैं ये विथ 2A स्विच है। तो मार्केट में अधिकतर तो अभी ये नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आ रहा है तो आप इस तरह से रिपेयरिंग कर सकते हो, और आप देख सकते हो वायरिंग में आपका कहाँ भी प्रॉब्लम आया है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि विथ आप यहाँ पर आप विथ DP/DT स्विच कैसे बना सकते हो। चलो अभी पेज को हम लोग पलट लेते हैं। तो DP/DT स्विच में भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विथ डीपी डी टी स्विच स्टेबलाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर DP/DT का हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं DP/DT के साथ, तो कनेक्शन वगैरह सारा चीज़ सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बना लेंगे अपने जो भी हम लोग ट्रांसफार्मर में है। तो यहाँ पर लेंगे सबसे ऊपर वाला 8 नंबर वायर, ये चेंज हो जाएगा किस में, ये अब चेंज हो जाएगा हम लोग को DP/DT में। तो DP/DT को कैसे मैंने बताया था यहाँ पर, ये किस में इसमें कितना टंगड़ी होगा, 8 गो टंगड़ी होगा। तो इस तरह से इसमें 8 गो टंगड़ी होगा, इसको देख लेना, मतलब जो भी पैर वगैरह बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप देख, तो ये इस तरह से DP/DT इस तरह होता है, इसको अप डाउन करेंगे तो ये अपना वर्क करेगा। तो इस तरह से इसका जो कनेक्शन होता है इसी तरह से होता है, बाकी काफ़ी काफ़ी मतलब इजी है यह। तो अब यहाँ पर हम लोग कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो भी इसका भी कनेक्शन वैसे ही होगा, यहाँ से हम लोग लेंगे ब्लैक वायर, समझो पहले ब्लैक वायर लेंगे, या उसमें अगर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग हुआ है तो इस चीज़ को देख लेना, ब्लैक वायर लेंगे। और ब्लैक वायर लेने के बाद से इसको बोलेंगे न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन को डायरेक्ट लेंगे, और जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने इसको उठा के एकदम से इसमें डाल दिया था, और इसमें डालने के बाद से वोल्ट मीटर में डाल दिया था, और वोल्ट मीटर में से डाल के इसमें से लाइट में डाल दिया था, इस तरह से ये हम लोगों ने इसमें कनेक्शन कर दिया था। लेकिन जो मेन हम लोगों का काम हुआ था वो होता है फेज़ में। तो यहाँ फेज को पहले देंगे, ये होता है F, जो कि ये मतलब रेड कलर का लाइट आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया फ्यूज, हम लोग का फ्यूज हो गया, फ्यूज से जाएगा यहाँ पर ये स्विच पे, और स्विच में जाने के बाद जैसे मैंने पिछले बार मैंने बताया था DP/DT कैसे वर्क करता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है DP/DT कैसे वर्क करता है,
किसके बारे में, तो ये वाला इस वाले को वायर को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वायर को इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग तो आपको पता ही होगा, इसको हम लोग एक्स कर देंगे और इसको यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर हम लोग का ये वर्क करता है। तो पिछली बार अब इसके बाद से यहाँ पर हम लोग इतना कर दिया, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको इसमें हम लोग इसमें डाल देंगे, इसमें मतलब स्विच को यहाँ से डीपीडीटी वाले में कनेक्शन दे देंगे। और इसको देने के बाद से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये पहला वाला है, ये जो हम लोग का पहला वाला है, तो पहला वाला को तो हम लोग उसमें जैसे डाले थे बीच वाले में, तो बीच वाले में थे एक अप वाले में डाले थे, तो इस तरह से डाल दिए। लेकिन उसमें हम लोग क्या किए थे कि एट नंबर को वायर को यहाँ पर ज्वाइन किए थे, बट यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को, ये जो पोल है हम लोग का, सॉरी ये जो पोल का जो यहाँ पर वायर निकला हुआ है, इस पोल के वायर को हम लोग यहाँ पर, इस पोल के वायर को हम लोग यहाँ पर 2 नंबर पे डाल देंगे। और इस तरह से जो यहाँ पर हम लोग का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से जो हम लोग का ये आउटपुट वाला है, तो ये जो हम लोग का यहाँ पर लास्ट में जो बच गया है, तो यहाँ से अप डाउन करने पे ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने डीपीडीटी यूज़ किया है, उसमें यूज़ किया था 2A। तो ये यहाँ से जो हम लोग का जो लास्ट वाला ये जो बचेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट में डाल देंगे, यहाँ पर आउटपुट 3 पिन सॉकेट में, फिर वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर से यहाँ पर हम लोग को इसको यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो ये हम लोग का जो मैनुअल स्टेबलाइजर है विद डीपीडीटी है। तो डीपीडीटी अगर आप में है तो आप इस तरह से वायरिंग करोगे। और मेन कनेक्शन में भूल गया था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 में दे देंगे, ठीक है, और 2 को 2 में, 3 को 3 में, 4 को 4 में, 5 को 5 में, 6 को 6 में, 7 को 7 में, और लास्ट 8 को 8 में। तो ये जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ये हम लोग का रेडी हो गया, इस तरह से वर्क करने लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कॉइल कहीं ब्रेक हो गया या यहाँ पर ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग को वोल्टेज नहीं करेगा, या मानो कि ये जो चीज़ है यहाँ पर 1 2 3 4 4 पर जाएगा, ये ब्रेक हो गया है, तो ये जो चीज़ है ये 4 तक ही काम करेगा। लेकिन जैसे 5 पर ले जाएंगे, तो यहाँ से जो हम लोग का ब्रिज है वो ब्रेक हो जाता है और ये काम नहीं करता है। तो इस तरह से ये पूरा, ये मतलब ये डायग्राम है, आप समझ सकते हो। और आपके घर में कोई भी स्टेबलाइजर है, तो इसको आप देख के, और सॉरी मैनुअल स्टेबलाइजर को देख के बना सकते हो। बाकी अगर कोई भी इससे रिलेटेड या इससे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको उसके लिए सॉल्व कर सकता हूँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट करो या कॉल कर सकते हो, मैं उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। सो होप यू गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।